हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साडा किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी पनीर सैंडविच। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बटर, टोमेटो, सॉल्ट, चीज, सीजनिंग, ब्रेड, तंदूरी मेयोनीज, ग्रीन चटनी, कैप्सिकम, पनीर एंड अनियन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पैन में लेना है 1 टेबलस्पून ऑयल। अब हमें इसमें एक एक करके वेजीज ऐड करनी है। सबसे पहले हमें डालना है ओनियन, फिर हमें ऐड करना है कैप्सिकम। अब हमें इसमें डालना है पनीर एंड साथ में हमें टोमेटोज भी डाल देने हैं। अब हमें इसमें जरा सा नमक डाल के इन्हें सौते करना है। अब हमें इसे एक बोल में निकाल देना है। हमें इसमें सीजनिंग ऐड कर देनी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हमें इसमें तंदूरी वेज मेयोनीज ऐड कर देनी है 2 स्पून एंड अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसमें साथ ही साथ चीज भी ऐड कर देना है और अच्छे से रेडी कर देना है, फिलिंग रेडी हो जाएगी। अब हमें एक ब्रेड का स्लाइस ले लेना है और उसमें इस तरह से ग्रीन चटनी लगा देनी है। अब हमें यहाँ पे फिलिंग रख के सैंडविच बना लेना है। ब्रेड के ऊपर हमें इस तरह से बटर अप्लाई कर देना है जिससे हमारा सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पे मैंने एक ग्रिलिंग पैन लिया है, आप चाहें तो आप इसे ग्रिलर में भी बना सकते हैं एंड ये सैंडविच अब हम इसमें टोस्ट कर लेंगे। हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरह से बटर अप्लाई कर देना है। अब हमें सैंडविच को टर्न करके दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेना है। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच एकदम रेडी हो चुका है। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमारे सैंडविचेस एकदम रेडी हो चुके हैं एंड कितने ही डिलीशियस लग रहे हैं। सो आपको अगर ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।